कैसा लगा देवी? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। हम स्पेशल उन्हीं के लिए यहाँ पे आए थे। हम लोग उन्हीं के लिए आए हैं, मतलब एक अलग फीलिंग होता है, बहुत अलग लेवल का फीलिंग है यहाँ पे आके। बहुत सारे गाना जैसे पवन सिंह है, खेसारी लाल है, बहुत सारे सिंगर है, लेकिन देवी का गाना सुनकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब उनका जो कॉपी कॉपी सॉन्ग है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। वो स्पेशल सुनने के लिए हम यहाँ पे आए थे। सुने के लिए सुने? हाँ सुने, बहुत सुने। बहुत सारा भोजपुरी में अश्लील गायक है, देवी जी से मिलता तो कैसा लगता है? नहीं तो अश्लील ना है, बाकी तो सब अश्लीले है, की करबो। मतलब देवी जी से मिलकर अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लगा मिलके, गला भी अच्छा है, अश्लील नहीं गाते हैं, भोजपुरी की एक तरह से शेरनी है। शेरनी तो है, बाकी वो नाटे को कुछ रखा है सब। कौन है नाटे, कौन है? अरे कौचो का नाम है यार, काले कलौठिया है कौची तो नाम। फिर कैसा लगती है? ओकर सुनबे नहीं करते, हमें नहीं सुनते हैं, काले सुनेंगे। देवी से मिले भी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कैसा लगता उनका गाना सुन के? बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे भोजपुरी के अच्छे सिंगर है, और बिहार के बहुत बड़ा शान है वो, क्योंकि छठ में उनका मतलब काफी सारा गाना बजता है। हाँ गाना बजता है, और देवी जो है सबसे ज्यादा फेमस जो हुए एल्बम राजा, जो अभी शायद फिलहाल बज रहा है। हाँ। वो उनका सबसे फेवरेट है, और उनसे उनकी पहचान मिली है। हाँ। तो बेहतर देखिए, एक बिहार की बेटी है और बिहार की पहचान दे रही है। हाँ। जो लोग जो होते हैं भोजपुरिया को गलत कहते हैं। हाँ। इन्होंने साबित किया है कि भोजपुरिया असल में हमारी पहचान है और असल में हमारी संस्कृति और सभ्यता। सिंगर देवी से मिले आपको? जी बिल्कुल मिले। कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं जो अश्लील गाना गाते हैं, लेकिन सिंगर देवी का गाना सुनते तो कैसा लगता है? उनका गाना सुन के जो दिल से आवाज निकलती है ना, वाह। वीडियो बना पहले, अच्छा लग रहा है सर। यस सर, अभी हम इस वक्त मौजूद हैं आरपीएस स्कूल मकनपुर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज सिंगर देवी जी आए हैं और सिंगर पिंटू राज आए हैं। यहाँ पर तमाम छात्र हैं, अभिभावक हैं जो देखने के लिए आए हैं, और तमाम ऑडियंस है जो यहाँ पर मतलब देवी जी को देखने के लिए आए हैं। कैसा लगा देवी जी? हम लोग मिले ही नहीं, नहीं मिले। देखिए तमाम यहाँ पर पूरा भीड़ है, जो मतलब बाहर तक पूरा भीड़ है, और ये लोग से जानने का प्रयास करते हैं। देवी से मिले भैया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कैसा लगता उनका गाना? बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे भोजपुरिया के अच्छे सिंगर है, और बिहार के बहुत बड़ा शान है वो, क्योंकि छठ में उनका मतलब काफी सारा गाना बजता है। हाँ गाना बजता है, और देवी जो है सबसे ज्यादा फेमस जो हुए एल्बम राजा, जो अभी शायद फिलहाल बज रहा है। हाँ। वो उनका सबसे फेवरेट है, और उनसे उनकी पहचान मिली है। हाँ। तो बेहतर देखिए, एक बिहार की बेटी है और बिहार की पहचान दे रही है। हाँ। जो लोग जो होते हैं भोजपुरिया को गलत कहते हैं। हाँ। इन्होंने साबित किया है कि भोजपुरिया असल में हमारी पहचान है और असल में हमारी संस्कृति और सभ्यता है। गाना जब सुनते हैं तो समझे दिल को छू लेता है। अभी जो डायरेक्टली जो उनका कनेक्शन है कानों से होकर के दिल तक आता है, और वाइब जो एकदम पूरा एकदम बिहार के मिट्टी का सुगंध इनके आवाजों में धीरे धीरे आती है। वायरल हुआ था भैया कि लहर मारे धीरे धीरे पानी गंगा जी का, जी हाँ वो नहीं, अभी जो गंगा और उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर में इसमें बहुत ज्यादा पानी आया, तो वो उनका जो वीडियो है वायरल हुआ, लेकिन वो असल बहुत पहले का गाना है, बहुत पहले का गाना, और बहुत ही अच्छे सुरीले और सुरले बहुत ही कमाल का है, और बेजुबान एकदम क्या बोले, घटना घटता उसके ऊपर मतलब बैठ जाता है गाना। हाँ वो बाकी देखिए गंगा माँ का जो लहर है बाकी एक अलग है, और गंगा माँ हमेशा रह रहा के बताते हैं कि हमारा पहुंच कहाँ तक है, आप यहाँ तक नहीं आए। अरविंद सर को क्या धन्यवाद देना चाहते हैं, जो मतलब कि आप लोग को देवी? अरविंद सर को स्पेशल धन्यवाद है कि इस बिहारवासी को एक अच्छे से कलाकार, बिहार के एक नामी कलाकार को मिलने का मौका दिया, सारे बच्चे स्कूल के बच्चे को आई रूबरू करा है, अच्छी है, और संस्कृति कार्यक्रम है, बच्चे भी आ रहे हैं देख रहे हैं। बच्चों के मन में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके अंदर हिडन टैलेंट होंगे, वो बाहर आएगा कि नहीं हमें भी ये करना है और हमें भी नाम करना है और अपने बिहार का नाम करना है। इधर कुछ लड़कियां हैं, इन लोग से जाने रुके थोड़ा, दो मिनट। सिंगर देवी से मिले आप? जी बिल्कुल मिले। कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं जो अश्लील गाना गाते हैं, लेकिन सिंगर देवी का गाना सुनते तो कैसा लगता है? उनका गाना सुन के जो दिल से आवाज निकलती है ना, वाह, मतलब दिल को एकदम छू लेता है। बिल्कुल। अच्छा क्या गाना याद है देवी का जो मतलब सुनाना चाहेंगे? नहीं अभी तो नहीं सुना पाएंगे, वैसे भी बहुत गाना स्कूल में उनका गाना बहुत गा चुके, आज भी गाए सुबह सुबह उनका गाना स्कूल में, वो जो केलवा के पात पर वाला है वो गाना मुझे बहुत पसंद है। मतलब इनका कोई भी गाना ऐसा है जो मतलब अश्लील नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब सब गाना जो रहता है जो मतलब कहीं ना कहीं दिल को छूता है। नाम में देवी है ना, वो असली में देवी है, समझिए कि साथ साथ देवी आ जाती है हम लोग के स्कूल में। कैसा फीलिंग आ रहा है यहाँ पर आके उनसे मिलके? बहुत अच्छा। सर को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे, आशीष सर को और अरविंद सर को? बहुत ज्यादा। आप लोग किसी के स्टूडेंट है या मतलब? नहीं नहीं यही के स्टूडेंट है हम लोग, कचहरी के, आरपीएस कचहरी में। कैसा लगा देवी से मिलके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। हम स्पेशल उन्हीं के लिए यहाँ पे आए थे। सब लोग उन्हीं के लिए आए हैं, मतलब एक अलग फीलिंग होता है, बहुत अलग लेवल का फीलिंग है यहाँ पे आके। बहुत सारे गाना जैसे पवन सिंह है, खेसारी लाल है, बहुत सारे सिंगर है, लेकिन देवी का गाना सुनकर कैसा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है, मतलब उनका जो कॉपी कॉपी सॉन्ग है मतलब बहुत अच्छा लगता है। वो स्पेशल सुनने के लिए हम यहाँ पे आए थे। सुने के लिए सुने? हाँ सुने, बहुत सुने। अलग फीलिंग आ रहा है देवी, बहुत अच्छा आ रहा है। क्या गाना थोड़ा देवी वाला है तो सुना दीजिए। नहीं उतना तो याद नहीं है, थोड़ा बहुत लाइन है याद है बट नहीं गा सकते हैं। मतलब देवी एक अलग मतलब सिंगर ही है, मतलब जैसे नाम है देवी उस तरह से उनका काम भी है। हाँ जी बिल्कुल, पूरे नालंदा वासियों के दम दिल जीत के जा रहे हैं। जी हाँ, तो जाते जाते देवी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे सिंगर है, आप लोग भी गाना सुनिए, अच्छा है बहुत। देवी मैम को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे जो नालंदा वासियों के लिए आए? देवी मैम को बहुत ज्यादा धन्यवाद हो यहाँ पे आरपीएस समारोह में आने के लिए, दिवाली के स्पेशल इस छठ के ऐसे त्योहारों में आने के लिए टाइम निकाल के, बहुत बड़ी बात है, तो धन्यवाद। स्कूल के छात्र हैं या मतलब? नहीं, इसी स्कूल के कचहरी वाले रोड, इसी स्कूल के ब्रांच का। हाँ आरपीएस कचहरी का। हाँ चलिए यहाँ पर तमाम स्टूडेंट से बातचीत करने का, कैसा लग रहा है देवी से मिलकर? वीडियो बना पहले, अच्छा लग रहा है सर। यस सर, आप लोग परफॉर्म भी किए हैं? परफॉर्म हम लोग नहीं किए अभी, हम लोग आए हैं स्कूल, अच्छा लग रहा है। आप लोग इसी के छात्र हैं? छात्र हैं मतलब? नहीं, कचहरी का। कचहरी का मतलब आरपीएस स्कूल का मतलब? हाँ आरपीएस। अरविंद सर को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे जो देवी जैसे सिंगरों के लाए हैं? अरविंद सर को धन्यवाद, बहुत अच्छा देने जाते हैं। देखिए सर, देख ये लोग मजाक बना रहा सर। यस सर, बोलिए सर। देवी का गाना है जो याद है? नो सर, गाना उन्होंने याद है सर, गाना सुन छठ का गाना याद है। जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घाटावा, सूरज देव घाटावा। याद है देवी का गाओ गाना, जो सुना सकते हैं? हंसी है नहीं? थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए देखिए, काफी अच्छा लग रहा है लोगों से मिलके, और देखिए तमाम यहाँ पर स्टूडेंट हैं, स्टूडेंटों से जानने का प्रयास कर रहे हैं, सर से बातचीत कर लिए हैं, कैसा लगा देवी से मिलकर? देवी जी से मिलकर कैसा अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाती है। मतलब इनका बचपन से गाना सुनते आ रहे थे, सामने देखे? नहीं नहीं, हमारा तो फर्स्ट टाइम था, पहली बार हम लोग सुने यहाँ जिस जगह गाना, हम लोग इनका पहली बार सुने। मतलब बहुत बचपन से उनका टीवी ऊपर सुनते थे ना? हाँ हल्का हल्का। अच्छा छठ का गाना बहुत अच्छा गाती हैं। हाँ। देखिए बाहर भी देखिए इतना भीड़ है, अंदर भी आप लोग को भीड़ दिखाए हैं। हाँ बोलिए, पूछिएगा था ना। ऐसा लग रहा है हमको, ऐसा लगा कुछ शब्द नहीं, इतना अच्छा लगा क्या बोले हम, क्या सब अरविंद सर के लिए कुछ शब्द नहीं, क्या बोले, कम कुछ जो बोलेंगे वो कम पड़ जाएगा। आप लोग को देवी से मिलवाने का प्रयास किया सर? हाँ बहुत प्रयास, मतलब कोई ना कोई सिंगर को लाते रहते हैं। हाँ अरविंद सर हमारे बहुत अच्छे हैं, वो हम सो के हमेशा बेहतर कुछ देना चाहते हैं, इस बार बुलाएं देवी सिंगर, इनका कोई अश्लील गाना नहीं आए, मिले हम सब, बहुत अच्छा लगा, अरविंद सर को धन्यवाद। देखिए यहाँ पर छोटा बच्चा जो है आए हैं, कैसा लग रहा है गाना सुन के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। किसी पढ़ते हैं कि बाहर से? बाहर से। कहाँ पढ़ते हैं? मेरी दीदी इस स्कूल में पढ़ती है। कैसा लग रहा है आके? अच्छा। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो देवी जी से मिलने आए हैं, कैसा लग रहा है देवी जी से मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है देवी जी से मिलके। मिले हैं देवी जी से? हाँ अच्छा लग रहा है। मतलब होगा यार, बोलिए बोलिए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है यार, इन लोग मेरा दोस्त लोग है, जबरदस्ती। क्या बोलना बताओ, इसी स्कूल के स्टूडेंट है? हाँ जी यही स्कूल के स्टूडेंट हैं, और हम लोग सब पूरा मस्ती कर रहे हैं। ये अरे चंदन भैया, चलिए इस वीडियो को आप लोग यहाँ से यहाँ शेयर कीजिए, और देखिए कुछ और लोग से हम जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा लगा देवी जी से मिलकर। देवी जी से तो मिल के इतना अच्छा लगा कि पूछिए मत, गला स्वर है, सरस्वती स्वर है, मस्त है। इतना दूर से आज मिलने के लिए? कितना दूर से? गगन दीवान से आए जी। हाँ। गगन दीवान जी पर ही है। हाँ। अभी रतिया में आए हैं, समझ रहे हैं? बहुत सारा भोजपुरी में अश्लील गायक है, देवी जी से मिलता तो कैसा लगता है? नहीं तो अश्लील ना है, बाकी तो सब अश्लील है, की करबो। मतलब देवी जी से मिलकर अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लगा मिलके, गला भी अच्छा है, अश्लील नहीं गाते हैं, भोजपुरी की एक तरह से शेरनी है। शेरनी तो आइए है, बाकी वो नाटे को कोची रखा है तो नहीं। अरे कोचो का नम्मा है यार, काले कलौठिया है कोची तो नम। फिर भोजपुरी गावा है वो सब। कैसा लगती है? ओकर सुनबे नहीं करते हमें, नहीं सुनते काले सुनेंगे तब रही आओ। तो गाना अच्छा रहता है? अच्छा अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी बीच में आ जाता है। देखिए सब देवी जी के हम आप लोग देवी जी के फैन? हाँ भक्ति गाना गाते तो फैन का नहीं रहेंगे। पवन सिंह है वो सर, पवन सिंह तीन शादी किया हमको हमको खेसा हमको खेसा हमको खेसारिया पसंद है। हाँ जब बिहार में दिल टूटता तो आशीष यादव का गाना बजता है।
एगो तेजस्वी यादव के बारे में अविनाश कुछ बोलेगा। बनाते हैं। यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कलाकार के बारे में, कलाकार के देवी जी हैं जो एक संस्कारी गीत गाते हैं। भक्ति तो फाइन नहीं रहेगा, कोई जातिवाद गा देता है, आई जातिवाद नहीं गाते, बोलिए आई देवी जी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं पैसा देते हैं, पैसा भी देवी जी का इतना फाइन है। देवी जी भी इस वीडियो को अगर देखेंगे तो भी कहीं ना कहीं खुश हो जाएंगे। गाना याद है कोई सुना दीजिए, गाना आ गया लेकिन हम लोग का गला ही खराब, हर बार सुनते हैं। गाना याद है, देखिए यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं करना, यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं करना। चलिए इस वीडियो का लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ अभी आरपीएस स्कूल के छात्र थे और जो ऑडियंस थे देखने के लिए आए थे, महिताब के साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।